हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर फ्रेंड्स एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस इशू किया है आज थर्टीन अप्रैल को रिगार्डिंग द नीट पीजी काउंसलिंग ऑफ राउंड नंबर फर्स्ट अभी जिन स्टूडेंट्स को राउंड नंबर फर्स्ट में अलॉटमेंट मिला है वेदर द कॉलेज आर द डी यूनिवर्सिटीज और द गवर्नमेंट कॉलेज तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी आज की डेट में मोर देन नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट अभी अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं दे आर सेंडिंग देयर डॉक्यूमेंट्स बाय द ई एंड दे आर सेंडिंग देयर फीस बाय द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस तो इसमें थोड़ा सा सपोर्ट के लिए स्टूडेंट को एम ने एक नया स्टेप लिया और काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर कि अभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी कॉलेज को एक एडवाइजरी नोटिस इशू किया गया है कि इस कंडीशन में जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स से वो ज़्यादा अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड ना की जाए और इफ़ इन केस अगर कोई स्टूडेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उस डॉक्यूमेंट्स को उससे अभी फ़िलहाल ना लिया जाए इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को एक अंडरटेकिंग साइन करके देना पड़ेगा अंडरटेकिंग में ऐसा होता है कि लाइक स्टूडेंट हैव टू सी से इन राइटिंग की फिलहाल हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट बट एक गिवन फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर इस डॉक्यूमेंट को मैं कंप्लीट करके सबमिट कर दूंगा तो इस तरह से आप यहाँ पे अंडरटेकिंग दे के आगे के प्रोसेस को कर सकते हो इसमें आपकी ट्यूशन फीसेस के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दे के रखें कि अगर कोई स्टूडेंट अभी अपनी पूरी ट्यूशन फीस नहीं दे पाता है तो कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसके लिए थोड़ा सा लीडियंट रहे स्टूडेंट के साथ और उनको कॉपरेट करें एडमिशन लेने के लिए बिकॉज दिस कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि अभी स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते पेरेंट्स तो ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो कॉलेज से एक अपील की गई है एम के द्वारा कि उनको कॉपरेट किया जाए तो इफ़ इन केस एनी स्टूडेंट इज़ फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज इन द एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम द कॉलेज तो आप ये नोटिस जो है एम सी सी की वेबसाइट में जो थर्टीन को आया है एडवाइजरी नोटिस इसको आप डाउनलोड करके उनको दिखा सकते हो कि एम ने ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन हमको दे के रखे हैं और आपको दे के रखे हैं तो काइंडली कॉपरेट विद अस इन दिस टाइम और जैसे ये सब चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं आई विल प्रोड्यूस द रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स या आई विल सबमिट माई रिमेनिंग ट्यूशन फीसेस सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली टेकन बाय द एम इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स तो ये नोटिस आया था आपका एम का एक और नोटिस इशू किया है एम ने उस नोटिस को भी डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन में उसमें ये डिस्कस किया है कि आपका राउंड नंबर फर्स्ट के अलॉटमेंट से पहले एक नोटिस दिया था एमसीसी ने उसमें यह चीज़ मेंशन किया था कि फ़र्स्ट राउंड में जितने भी बच्चों को अलॉटमेंट हुआ मिला है और जो बच्चे अलॉट करेंगे रिपोर्ट करेंगे वहाँ कॉलेज में तो वो लोग ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो उसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन किया है एम ने एक नई नोटिस से उसमें यह क्लैरिफिकेशन किया है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फर्दर अप्रेसन के लिए जाना नहीं चाहता है ही इज सेटिसफाइड विद द कॉलेज विच ही हैव गॉड तो उस कंडीशन में आप अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कीजिए और सेकेंड राउंड में जब चॉइस फीलिंग होगी जब सेकेंड दूसरे बच्चे चॉइस फीलिंग के लिए चॉइस फीलिंग कर रहे होंगे अपग्रेशन के लिए तो आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करनी है अगर आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपका जो फर्स्ट अलाटमेंट था वो परमानेंट हो जाएगा एंड डेट विल बी योर फाइनल सीट और अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट को सीट नहीं लेनी है तो ही डोंट हैव टू डू एनीथिंग और अगर किसी स्टूडेंट को अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो फर्स्ट राउंड की एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए वो स्टूडेंट वहाँ तो पे चॉइस फिलिंग करेगा तो ये दो नोटिस थी स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी अच्छा स्टेप है एम भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट को इस एप की कंडीशन के अंदर सो फिलहाल के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसिलिंग